हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो में हम CSS की डिस्प्ले नाम की जो प्रॉपर्टी है उसमें एक नई वैल्यू आई है जिसका नाम है फ्लो रूट, उसको सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास जो CSS में डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी है उसके अंदर ऑलरेडी जो यहाँ पर वैल्यूज दिख रही हैं आपको, ये हम अपनी पिछली कुछ वीडियोज में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पर उसका एक लिंक दे दूंगा जहां से जाके आप वो वीडियोज देख सकते हैं। इसी डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी में हमारे पास एक नई वैल्यू आई है जिसका नाम है फ्लो रूट, जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए पहले समझते हैं उसका यूज कहाँ हो सकता है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक डिव है और उसके अंदर एक और डिव आ रहा है। अब जैसे ही हम अंदर जो डिव आ रहा है, जिसको हम चाइल्ड डिव भी बोल सकते हैं, उस पर जैसे ही हम फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, तो एक इशू क्रिएट हो जाता है। वो इशू कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें जो पेरेंट डिव होता है वो प्रॉपर बंद नहीं होता, वो ऊपर ही बंद हो जाता है। तो इस तरह का जब कोई इशू क्रिएट होता है तो इसके लिए हमारे पास दो सोल्यूशन अब तक हम प्रोवाइड करते थे। या तो हम इस पे लगा देते थे पेरेंट डिव पे ओवरफ्लो ऑटो, जो ये सोल्यूशन है प्रॉपर हर ब्राउजर पे सेम वर्क नहीं करता, ये कहीं पर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे एक स्क्रॉल बार ले आता है पेरेंट डिव पे। तो ये सोल्यूशन जो है ये सजेस्ट भी नहीं किया जाता कि ये सोल्यूशन किया जाए, या इसका एक पक्का सोल्यूशन अब तक हम सोचते थे जिसको हम बोलते हैं क्लियर फिक्स। उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते थे पेरेंट डिव पे हम सूडो क्लास लगाते थे आफ्टर, और उसके अंदर तीन CSS की प्रॉपर्टी यूज करते थे, कॉन्टेंट, डिस्प्ले और क्लियर। तो जो ये सोल्यूशन था इसमें भी हमारे को काफी सारी लाइन्स लिखनी पड़ती थी, एक सिलेक्टर बनाना पड़ता था आफ्टर नाम से, और फिर उसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज लेनी पड़ती थी CSS की, और इसको हम बोलते थे क्लियर फिक्स। अगर आप गूगल पे जाके सर्च भी करें CSS क्लियर फिक्स तो आपको यही सोल्यूशन नजर आएगा। तो ये भी कोई पक्का सोल्यूशन नहीं था, ये एक तरीके का जुगाड़ था। तो अब इसका एक पक्का सोल्यूशन आ चुका है जिसको हम कहते हैं डिस्प्ले फ्लो रूट। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। यहां पर देखिए, HTML के एडिटर में हमने एक सिंपल सा HTML का एक डॉक्यूमेंट बनाया। यहां पर ऊपर एक डिव है, उसके अंदर एक और डिव आ रहा है। जो ऊपर वाला डिव है उस पर हमने ID लगाया पेरेंट, और जो उसके अंदर डिव आ रहा है उस पर हमने क्लास लगाई है चाइल्ड नाम से। अब ऊपर CSS देखिए, जो पेरेंट है उस पर विड्थ सेट की हमने, मार्जिन लगाया, बॉर्डर लगाया, और जो अंदर चाइल्ड आ रहा है उस पर हाइट और विड्थ सेट कर रखी है, और बैकग्राउंड कलर भी दिया हुआ है रेड। अब जैसे ही मैं इस चाइल्ड के अंदर आकर फ्लोट नाम की मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो देखते हैं क्या इशू क्रिएट होगा। ये देखिए, मैंने इसके अंदर लिया फ्लोट और उसको वैल्यू दे दी लेफ्ट। मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, लेफ्ट या राइट। मैंने फाइल को सेव किया। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको इशू दिख रहा होगा, जो पेरेंट का बॉर्डर था वो ऊपर ही बंद हो चुका है, और ऐसे लग रहा है चाइल्ड उससे बाहर आ चुका है, मगर चाइल्ड उससे बाहर नहीं आया, एक्चुअल में वो बॉर्डर ही ऊपर चला गया। तो इसका जो अब पक्का सोल्यूशन आ चुका है डिस्प्ले फ्लो रूट, उसको यूज करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो पेरेंट है जिसका बॉर्डर ऊपर चला गया उसी के अंदर जाके मैं वैल्यू दूंगा डिस्प्ले फ्लो रूट। मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं ये प्रॉब्लम कैसे दूर हो चुकी है। और यहां पर ना ही हमने ओवरफ्लो ऑटो लगाया और ना ही क्लियर फिक्स नाम का हैक लगाया। तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लो रूट का सिर्फ इतना ही काम होता है कि जैसे ही किसी पेरेंट के अंदर कोई चाइल्ड पर हम फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो उसका जैसे ही बॉर्डर ऊपर जाता था, अब वो नहीं जाएगा क्योंकि हम उसके पेरेंट के ऊपर हम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे डिस्प्ले फ्लो रूट। यहाँ पे मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ, जो ये फ्लो रूट नाम की नई वैल्यू आई है डिस्प्ले की, ये सारे ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट ब्राउजर जो है वो ही सपोर्ट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने कैन आई यूज नाम की वेबसाइट ओपन की हुई है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर दोनों ही से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एज में 75 वर्जन में आया ये, और फायरफॉक्स और क्रोम के भी लेटेस्ट ब्राउजर ही से सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सफारी भी इसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, और ना मोबाइल के वर्जन इसे सपोर्ट कर रहे हैं। आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से ब्राउजर इसे सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल नई प्रॉपर्टी है, सिर्फ लेटेस्ट ब्राउजर ही इसे सपोर्ट कर रहे हैं और उनके भी लेटेस्ट वर्जन ही। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।